आगरा में तहसील दिवस के मौके पर एक अलग तस्वीर देखने को मिली। यहां मौजूद महिला वकील के साथ महिला कर्मचारी ने बदसलूकी की। इस पर महिला वकील ने आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों महिलाओं के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई और पूरा झगड़ा वीडियो कैमरे में कैद हो गया। दरअसल महिला वकील शांति देवी किसी काम को लेकर सदर तहसील में आई थी। इसी दौरान तहसील दिवस की पर्ची बनवाने को लेकर लाइन में लगी शांति देवी और तहसील कर्मी विमलेश में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान तहसील कर्मी ने लाइन में लगी महिला वकील को सरेआम धमकी दी और पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। बाद में अन्य लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं महिला वकील ने पूर्व तहसील कर्मी विमलेश की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही। लाइन में लग के कागज दिया, उसके बावजूद जो छपरासी जो बाहर खड़ी हुई है जिसका नाम मुझे अभी मालूम नहीं है, जब मालूम पड़ जाएगा तब मैं बताऊंगी और कलेक्टर साहब को इसकी प्रार्थना पत्र दूंगी। इसने उल्टा सीधा बोला और बदतमीजी से बदजवान से जवाब देने लगी है। ये कह रही तू क्या कर लेगी, तू ये कर रही, तू तड़क तर के बात कर रही, जबकि लाइन में लग करके कागज दिया। जब कागज आगे पहुंच गया तो लाइन से फिर हट गए, पीछे वाले लाइन में आएंगे। मैंने कही लाइन में लग जाओ, क्या बोली क्या हम क्यों लाइन में लग जाए, और हम तो वकील हैं और हम लाइन में नहीं लगेंगे। मैंने कहा तुम वकील हैं तो थोड़ा आगे लग जाओ, ज्यादा परेशानी है तो तुम्हें, लेकिन सवेरे से जो महिला लगी है पहले उनने लग जान दो। मैंने कहा उनकी शिकायत सुन लें दो, फिर तुम्हारी भी सुनेंगे। तो बोले क्या तू चपरासी है, तू अपनी औकात में रह और तू जाओ, हल पे मार दूंगी।